स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं rkalert.in। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने कुछ अलग-अलग टेप्स खोल रखी हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रीट भर्ती पे जो सस्पेंस चल रहा है, बहुत सारे कंटेंट वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ने हैशटैग ये भी लगा रखा है, रीट 2022। ये इस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, रीट एग्ज़ाम डेट पीछे हटने की कुछ मजबूरियाँ हैं, ये लिख रखा है। ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं इन दिनों में ये सारे कंटेंट, और इनकी क्या सच्चाई है और बाकी क्या चीज़ें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, जिससे आप देख पाओगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और जो चल रहा है वो सही है क्या। ये सारी अपडेट्स मैं आपको rkalert.in के थ्रू भी देऊंगा। यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स हैं, आप लेटेस्ट रीट के अपडेट्स के लिए ये rkalert.in पर आकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सबसे पहले सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए कंटेंट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आप पे कि क्या जो वायरल कंटेंट चल रहा है उसमें कितना दम है और क्या सच्चाई क्या है। मैं ये एक चैनल है वॉइस ऑफ रावण, अगर आप रीड से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, इसी की कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला हुआ है इनका, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको मेरी हर एक बात छोटी बड़ी याद रहती है, कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे मैं रीड मोर करता हूँ, यहाँ पे इन्होंने हैशटैग रीड 2022 डाल रखा है। अब इसके अलावा एक और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी 2022, यहाँ पर इन्होंने एक आर्टिकल डाला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी जानकारी मैंने दी थी पहले कि 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने के संबंध में प्रपोजल तैयार किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। रीट एग्ज़ाम डेट पर पीछे हटने की कुछ मजबूरियां हैं जो कि जयपुर से आने के बाद आप लोगों से साझा करूंगा। बाकी सभी स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग अब दूर ही रहें, जो बोलता हूँ वो करने की योग्यता भी रखता हूँ, ये केवल वाक्य नहीं अपितु दृढ़ संकल्प है। ये इनका कंटेंट है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट ये चैनल जो है वॉइस ऑफ रावण, साथियों नमस्कार। चर्चा करेंगे रीट। अब इसके बाद में 13 अगस्त को ये प्रेस नोट आ गया है, 13 अगस्त की रात को ये प्रेस नोट आया है कि रीट 2021 के आयोजन के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक लिखा हुआ है, उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा रीट 2021 परीक्षा प्रदेश के जिला यूनिटों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 26/9/2021 को आयोजित की जा रही है। अतः इस संबंध में सूचना एकत्रित करें एवं कोई जानकारी प्राप्त होने पर अविलंब सूचित करें। ये यहाँ पर इस प्रेस नोट में ये सारी चीज़ें, अब जो ये प्रेस नोट लिखा हुआ है ATS और SOG राजस्थान को, ये परीक्षा मैनेजमेंट से संबंधित है। तो अब 13 अगस्त 2021 का ये रात का पत्रांक है, तो अब इससे ये साफ हो गया है लगभग कि परीक्षा जो है रीट की वो 26 सितंबर को ही होगी। जो सोशल मीडिया पे कंटेंट सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें अब दम लग नहीं रहा है।
एक और जो बड़ी खबर है वो ये है, बीएड छात्रों को रीट लेवल एक में आवेदन का मौका मिलने से प्री डीएलएड में कम हुए लगभग 2 लाख स्टूडेंट। कि जो रीट लेवल एक में आवेदन करने का मौका बीएड वालों को मिलने से, इधर डीएलएड जो पहले बीएसटीसी बोली जाती थी राजस्थान में, वहां पर लगभग 2 लाख स्टूडेंट का नुकसान हुआ है। अब इसकी जो एग्जाम है वो 31 तारीख को है। पिछली साल लगभग 6,70,000 के आसपास थे, इस साल 4,72,000 के आसपास है। इसके अलावा ये जो प्रेस नोट जो मैंने अभी दिखाया, ये इसका अपडेट है। और इसके अलावा ये यहाँ पे वो ही कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये बताया हुआ है कि 2022 में रीट जा सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रीट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट RKAlert पर विजिट करें। रोजाना लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें रीट की लेटेस्ट अपडेट के लिए।